बॉम्बे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ी है, साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झूठे वादे कर सरकार बनाई है, लेकिन अब बीजेपी की पोल खुल चुकी है। लेकिन ये मुद्दा है और जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, वो पिस रहा है। आज कृषि पर बहुत भारी संकट है और जब कृषि कानून वापस लेकर केंद्र सरकार ने माफी मांगी थी तो आश्वासन दिए थे कि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन होगा और अब किसान दोबारा आंदोलित हैं। ये मुद्दा इसलिए नहीं बन पाता है, केंद्र सरकार बड़ी चतुराई से जो मुद्दे हैं उनको डाइवर्ट करने में बड़ी चलाकी से काम करती है। तो विवादित मुद्दे हैं, धर्म के हैं, जाति के हैं, मंदिर मस्जिद के हैं, और ऐसे मुद्दों को हवा देने का काम केंद्र सरकार करती है ताकि जो वास्तविकता के मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं लोगों के, वो एक पॉलिटिकल इशू ना हो। लेकिन देश के लोग समझ गए हैं, महंगाई के खिलाफ भाजपा जब विपक्ष में थी तो क्या क्या नारे देते थे, क्या धरने करते थे। आज जब मेरे ख्याल 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया तो हमको हमारे कांग्रेस के मुख्यालय पर जाने के लिए रोका गया, हम सबको थानों में बंद किया गया। ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार पहले देखी नहीं है, MPs को, नेताओं को, सब लोगों को थाने में डिटेन किया गया। तो ये सरकार जो भाजपा की बनी है ये झूठे वादे कर बनी थी और 8 साल के बाद अब उनकी पोल खुल चुकी है और इसीलिए जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी 4 तारीख को दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन कर देश को बताएगी कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसी के साथ साथ 7 सितंबर को कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हम कर रहे हैं और इसमें आपको जानकर खुशी होगी कि इस आयोजन में लगभग 3,500 किलोमीटर पैदल कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग चलेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इसमें लगभग 12-13 राज्यों में से यात्रा निकलेगी। जो बाकी राज्य हैं वहाँ के राज्यों से वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं, वहाँ का पानी लेकर यात्रा में सम्मिलित किया जाएगा और ये भारत जोड़ने के साथ साथ देश में जो आज लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म करने का काम हो रहा है, कोई ट्वीट डाल देता है 5 साल पुराना, उसको उस पत्रकार को पकड़ कर जेल में डाल देते हैं, जो एक महंगाई, भ्रष्टाचार और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने का जो एक मुहिम केंद्र सरकार चला रही है उसके खिलाफ भारत की जो हमारी मूलभूत हमारी जो भावनाएं हैं, संविधान की जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं, उनको रोकने के लिए, बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और शायद इसी का परिणाम है कि भाजपा बहुत बौखलाई हुई है और तमाम इश्यूज को साइडलाइन करने पे वो पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन 7 तारीख को कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी 6 को वहाँ आएंगे और जहाँ राजीव गांधी जी का जहाँ उनको असैसिनेट किया था श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में, वहाँ जाने का कार्यक्रम है। फिर कन्याकुमारी जो अंतिम छोर है भारत का, वहाँ से पदयात्रा चालू होगी और ठीक कश्मीर तक आएगी। लगभग 3,800 किलोमीटर की यात्रा है, उसमें भी देश भर के लोग राहुल जी के साथ चलेंगे, हम सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक लोगों की भावनाओं को, अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग जुड़कर एक एकता का संदेश देंगे। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और मैं समझता हूँ ये सही समय है एक देश में एकता का, एकजुटता का, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का संदेश देने का। उस सिलसिले में यात्रा 7 तारीख को चालू होने वाली है।